तो आइए मैं आज आपको जो रेसिपी दिखाने जा रही हूँ उसका वो तो बच्चों का एक टिफिन है, टिफिन देना एक प्रॉब्लम हो गया बच्चों के लिए, तो इसका प्रिपरेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ऐसा बॉल लीजिएगा, ऐसा देखिए बॉल लीजिए और अंदर से इसको ऐसे खोखले बना दीजिए, अंदर से इसको इसका जो पाव है वो निकाल दीजिए, ऐसा गोल राउंड बना लीजिए क्योंकि इसको अंदर में मैं स्टफिंग भर दूंगी, ऐसा होगा सब, ऐसा करके बच्चों को ये टिफिन बहुत ही अच्छा लगता है। आप स्कूल में ऑफिस में दे सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, तो आप ऐसा राउंड शेप बना के फिर इसको अंदर में हाँ बटर लगा लीजिए, पहले अच्छा से ऊपर अंदर ऐसे बटर लगा लीजिए, फिर बटर लगा के जितना आपको पीसेस चाहिए उतना पीसेस में आप लगा लीजिए। फिर देखिए इसमें मैंने अंडा को बॉईल करके रखा है ग्रेट करके, अभी इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ क्योंकि अंडे में थोड़ा सा नमक नहीं देने से ना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ज़्यादा मत दीजिए नहीं तो बच्चे खा नहीं सकेंगे, ऐसे देखे फिर इसको मिक्स कर लीजिए। फिर मैं कुछ सॉस डालूंगी इसके अंदर, देखिए इसमें मैंने मेयोनीज और टमाटो सॉस मिक्स कर लिया, ऐसे मिक्स कर लीजिए, ये सारी बच्चों का फेवरेट चीज है। पहले तो मैं इसमें अंडे का वो जो बॉयल अंडा है उसको डाल दूंगी, मैं अच्छे से डाल दीजिए, फिर मेयोनीज डालिए, फिर थोड़ी सी प्याज, अभी ये जो सॉस है ये चाइनीज सॉस है, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे, थोड़ी सी तीखा होता है, ऐसे दीजिए, देखिए कलर कितना अच्छा हुआ है, खाने में भी अच्छा है। फिर इसमें थोड़ी सी चीज डाल दीजिए, ऐसे जितना चीज देंगे उतना ही टेस्ट आएगा, ऐसे करके थोड़ी सी अंदर में डाल दीजिए, अभी इसको मैं ओवन में डाल दूंगी, इसको चीज को अच्छा सा मेल्ट कर लूंगी, अभी मैं इसको 5-10 मिनट के लिए ओवन में डाल दूंगी। चीज जब मेल्ट हो जाएगा फिर मैं इसको निकाल लूंगी, देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका कलर, तो देखिए लगभग हो ही चुका है, मेरा चीज भी अच्छा से गल गया। तो देखिए ये जो चीज बर्गर है मैंने इन्वेंट किया है इसको, ये कोई दुकान का नहीं है, तो आप लोग बनाइए खाइए और बच्चों को भी दीजिए, देखिए कितना अच्छा लगता है ये मेरे इन्वेंट किया हुआ। तो मेरे जो यूट्यूब में चैनल है पापियास किचन स्टोरीज, उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर बनाइए। थैंक यू।